नमस्कार, मैं पूजा भंडारी आप सभी का मोटिवेटेड एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। हर दिन इतिहास में कुछ ना कुछ खास घटनाएं ज़रूर हुई होती है। ऐसी ही हर दिन से जुड़ी इतिहास को जानने के लिए मेरे चैनल मोटिवेटेड एजुकेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, जिससे मेरी वीडियो आप ही को सबसे पहले मिल सके। तो आइए आज के इतिहास पर नज़र डालते हैं। आज के दिन 1888 में स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का सऊदी अरब में जन्म हुआ था। वे एक कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। उन्होंने 11 वर्षों तक राष्ट्र की शिक्षा की नीति का मार्गदर्शन किया था। मौलाना आज़ाद को ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात IIT और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय जाता है। आज के दिन 1966 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष यान जेमिनी 12 लॉन्च किया था। आज के दिन 1765 में फ्रांस के एक रसायन शास्त्री तथा आधुनिक फोटोग्राफी के जनक नेस्फर नेपेस का जन्म हुआ था। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने फोटो खींचने में सफलता प्राप्त की थी। आज के दिन 1879 में वॉशिंगटन को अमेरिका का 42वां प्रांत घोषित किया गया था। वॉशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। आज के दिन 1926 में संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर राजमार्ग प्रणाली के लिए योजना अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया था। आज के दिन 1930 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को आइंस्टाइन रेफ्रिजरेटर के आविष्कार का पैटेंट दिया गया था। आइंस्टाइन रेफ्रिजरेटर एक अवशोषण रेफ्रिजरेटर है जिसमें कोई भाग नहीं है। ये नियंत्रण दबाव से संचालित होता है और संचालित करने के लिए केवल एक गर्म स्रोत की आवश्यकता होती थी। आज ही के दिन 1953 में कैम्ब्रिज BV में पहली बार पोलियो वायरस की पहचान हुई और उसका चित्र लिया गया था। आज के दिन 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध अली ने मिश्र के अलमीन के दूसरे युद्ध में एक्सिस को हराया था। स्वेज नहर पर नियंत्रण के एक्सिस आशाओं को समाप्त करके उत्तरी अफ्रीकी अभियान में ज्वार को बदल दिया। इस तरह ईस्ट मेट पूर्वी तेल क्षेत्र तक पहुंच प्राप्त की थी। आज के दिन 1973 में पहली अंतर्राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी नई दिल्ली में शुरू हुई थी। आज के दिन 1982 में इजराइल के सैन्य मुख्यालय में गैस विस्फोट से 60 लोगों की मौत हुई थी। आज के दिन 2005 में सऊदी अरब को आखिरकार 12 वर्षों की चर्चा और वार्ता के बाद विश्व व्यापार संगठन के सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया था। आज के दिन 2008 में लगभग 4300 साल पुराने पिरामिड की खोज की गई थी जो रानी सेसेद की थी। यह घोषणा जाही हवर्ड्स ने की थी जो मिश्र के प्राचीन प्रमुख है। आज के दिन गुरु गोविंद सिंह 1675 में सिखों के गुरु नियुक्त हुए थे। वह एक महान योद्धा, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता थे। आज के दिन द प्रिंस ऑफ वेल्स ने 1905 में द प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय की नींव रखी थी। इस संग्रहालय का निर्माण प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आने के समय पर उनकी स्मृति के रूप में करवाया गया था। आज के दिन प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता एवं मजदूर महाजन संघ की संस्थापक अनसुईया साराबाई का जन्म 1885 में हुआ था। अनसुईया साराबाई भारत में स्त्री श्रम आंदोलन की अग्रदूत थी। उन्होंने 1920 में अहमदाबाद में मजदूर महाजन संघ की स्थापना की जो भारत के टेक्सटाइल श्रमिकों का सबसे पुराना संघ है। आज ही के दिन हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री माला सिन्हा का जन्म 1936 में हुआ था। वे नेपाली भारतीय हैं तथा उन्होंने हिंदी के अलावा बांग्ला और नेपाली फिल्मों में भी काम किया है। वे अपनी प्रतिभा और सुंदरता दोनों के लिए जानी जाती है। वे 1950 के दशक से आरंभ करके 1970 के दशक तक हिंदी फिल्मों की प्रमुख अभिनेत्री थी। उन्होंने 100 से भी अधिक फिल्मों में काम किया था।